71,000 सब्सक्राइबर तो है लेकिन मिलियन वाला इनकम है नहीं तो। ये है भैया का YT स्टूडियो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हम YouTube चैनल बना के YouTube से पैसे कमाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा चैनल दिखाएंगे जो YouTube के जरिए अपना एक पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो सेटअप करके अच्छा खासा यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं अमन भैया का। धन्यवाद विकास भाई। इनका एक चैनल है, ठीक है, जिस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 71,000 के आसपास में सब्सक्राइबर है, और सिर्फ 71,000 सब्सक्राइबर है, और ये अपने बिजनेस के जरिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार लिए हैं, इनका अच्छा खासा पटना में फ्लैट भी है, ठीक है, इनके पास घर भी है, मतलब इनके पास सब कुछ है, ठीक है। और आज ये चाहे तो बहुत ही आसानी से कौन कौन सा गाड़ी ले सकते हैं आप? देखिए, फॉर्चुनर तक तो हम इजी में ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा बिजनेस है, जो डिमांड करता है बिजनेस, उसके हिसाब से चलेगा तो और बेटर होगा। तो हमारा बिजनेस है जिस तरह का है तो उस तरह का हमने गाड़ी खरीदा, ठीक है। आगे आपको तो ये है भैया का गाड़ी, ठीक है। अब भैया से जानेंगे कि ये कब YouTube को स्टार्ट किए थे, YouTube पे ये क्या डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जितना इनका एडसेंस, मतलब एडसेंस तो समझो कि जीरो, इनके जो इनका कमाई है उसके आगे एडसेंस का कमाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। भैया से जानेंगे कि ये किस टाइप का वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 71,000 सब्सक्राइबर पे आज इनके पास गाड़ी है, अच्छा खासा घर है पटना में, अच्छा खासा इनके पास फ्लैट भी है, ठीक है। तो ये रहे अमन भैया, सबसे पहले तो आप अपने चैनल का नाम बताइए। देखिए, मेरा चैनल का नाम है प्रॉपर्टी देखो, जो बिहार में आपका रियल एस्टेट में नंबर वन चैनल है, ठीक है। हाँ। जो बिहार में सबसे पहले हमें स्टार्ट किए थे, रियल एस्टेट का ये चैनल है। तो भैया क्या करते हैं, भैया अपने चैनल पे प्रॉपर्टी को डील करते हैं, यही ना? प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, और बहुत सारी कंपनी है जो मुझे बुलाते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये चीज़ बहुत सारे कम लोगों के माइंड में चलता है, मतलब बहुत सारे ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हम YouTube पे आएंगे तो YouTube से पैसे कमाएंगे, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हो और वीडियो बना के अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। आप चाहो तो प्रॉपर्टी डील कर सकते हो, भैया भी यही करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में इनका पूरा का पूरा एक YouTube के जरिए ही बिजनेस फैला हुआ है, जिसमें ये प्रॉपर्टी डील करते हैं, ठीक है, और वहाँ से अच्छा खासा कमाई करते हैं। तो अब भैया बताएंगे कि ये YouTube को कब स्टार्ट किए थे, और अभी कैसा इनका चैनल चल रहा है? अभी देखिए विकास भाई, क्या है कि YouTube हम 8 साल पहले स्टार्ट किए थे, ठीक है, लेकिन उसमें इस चैनल से पहले और भी 2-4 चैनल मैंने ओपन किया, और वो चैनल मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब चल नहीं पाया, लेकिन तब भी कंटिन्यू मैं कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन रखा, और कंटिन्यू मैं YouTube पे अपना टाइम देता रहा। पहला जो मैंने चैनल खोला था, सबसे पहला जब मुझे जिज्ञासा हुआ, जब मुझे पता चला, मेरा एक भगना था, उसी के थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। हाँ। पैसा देख करके नहीं आए थे, तो स्टेटस वीडियो जो लगाते नहीं है व्हाट्सअप में आजकल लोग, प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं, तो मैं रात भर फिल्म देखता था, और मतलब कोई भी हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, उसमें से क्लिप काटता था, उसमें गाना वाना सेट करके पूरा ये वीडियो डालता था। फिर उसको 1 साल मैंने किया, तो उसको करते करते मैं एडिटिंग सीख गया, ये सारा कुछ, मतलब कैसे क्या होता है, थंबनेल लगता है, ये सब कुछ मैंने सीख, मतलब YouTube के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो गया उस टाइम। फिर मैंने चैनल खोला एजुकेशन का, जब आपका 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उस बीच, तो ऑनलाइन पढ़ाते थे, मेरा मैथ बहुत अच्छा है तो मैथ पढ़ाते थे। फिर उस टाइम वो भी देखे, जब लॉकडाउन जैसे ही समाप्त हुआ तो वो भी नहीं चला, लेकिन वही फिर क्या हुआ कि जब आप टेंशन में रहते हैं कि अब क्या किया जाए, कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, सबको जॉब चाहिए, लेकिन हमको जॉब नहीं चाहिए था, बस फैमिली के प्रेशर में, प्रेशर नहीं था, मतलब हर लोग मिडिल क्लास घर से सोचते हैं कि जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें, तो उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वही एक मेरा बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, सिद्धांत नाम है उसका, वही मोटिवेशनल क्वोट डाला करता था यूट्यूब पे, फेसबुक पे रात में, तो वही देखे, तो हम उससे कॉन्टैक्ट किए, क्या है भाई कैसा है, तो वही बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब कोई कंपनी है यहाँ आओ सीखो, तो रियल एस्टेट का ही वो कंपनी था, तो मैं उस फील्ड में, मतलब उस कंपनी में मैं गया। जाने के बाद पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने समझा, समझने के बाद फिर मैंने क्या किया कि अब इस पे काम कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसे किया जाए, तो उस टाइम मैंने सबसे पहला चैनल खोला यही, ये प्रॉपर्टी देखो से नाम से नहीं था उस टाइम प्लॉट देखो के नाम से था। एक महीने बाद मैंने चेंज कर दिया प्रॉपर्टी देखो के नाम से, और उसमें फिर एक और इंसान का साथ रहा, राहुल पांडे नाम है, वो काफ़ी हमको सपोर्ट किए, मतलब कि ये नहीं कि प्रॉपर्टी का नॉलेज किन्हीं को नहीं होता, कौन
सोच करके जाएगा। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग के माइंड में आता है कि ब्रोकर हम बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करने लग गया, उससे यूट्यूब से काफ़ी अच्छा बिजनेस चलने लगा। चलते गया, लेकिन वहीं से फिर देखे करीबन आप मेरे चैनल से देखिएगा, प्रॉपर्टी देखो नेम से आप कभी सर्च कीजिएगा और ऑल चैनल में जाइएगा, 2000 से कम चैनल आपको नहीं खुला हुआ मिलेगा, 2000 से ज़्यादा ही चैनल खुला हुआ है। प्रॉपर्टी मतलब आपके नाम से, मेरे ही नाम से। प्रॉपर्टी देखो पटना, प्रॉपर्टी देखो बिहार, प्रॉपर्टी देखो दिल्ली, यूपी प्रॉपर्टी देखो, प्राइम प्रॉपर्टी देखो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चैनल खुला हुआ है। उस टाइम कोई ऐसा चैनल नहीं था। मतलब जब भैया अपना चैनल खोले थे प्रॉपर्टी देखो के नाम से, यही ना, उस समय कोई भी चैनल नहीं था, भैया का ही ये पहला चैनल है। 71,000 सब्सक्राइबर तो है लेकिन मिलियन वाला इनकम है नहीं। तो आपका जो ये चैनल था वो कब आप स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट किए थे 2021 में 14 जनवरी को। 2021 में चैनल स्टार्ट किए थे और अभी 71,000 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर तो कम है लेकिन अर्निंग उस टाइप से होता है जिसमें मिलियंस भी सब्सक्राइबर जिसका होता है वो भी इतना अर्निंग नहीं कर पाता जितना ये भैया यूट्यूब पे, जो यूट्यूब से अपना बिजनेस को ग्रो करके अर्निंग कर रहे हैं। सारा बात कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे भैया का वाइट स्टूडियो कि ये अपने यूट्यूब से कितना पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। तो दिखाइए जरा वाइट स्टूडियो, देख सकते हैं। तो ये है भैया का वाइट स्टूडियो। अब देखिए यहाँ पे व्यूज़ जो आ रहा है वो 3 लाख है और अर्निंग अगर आप देखो तो ये $62 बना हुआ है, ठीक है। 3 लाख व्यूज़ पे $62 है, तो ये भैया का अर्निंग है, ठीक है। बट भैया जितना अर्निंग करते हैं अपने बिजनेस से वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि 0 है, ठीक है। तो ये भैया थे जो YouTube के जरिए अपना पूरा का पूरा बिजनेस फैला के, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के YouTube पे आते हैं कि बस हम YouTube से कमा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसे चैनल को दिखाया है, एक ऐसे भैया से मिलवाया है जो YouTube पे कुछ अलग ही करते हैं, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो गाइज ये अमन भैया थे जो YouTube पे अपना चैनल ग्रो करके पूरा अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अमन भैया के चैनल को अगर आप देखना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, तो भैया चैनल का नाम बताइए। प्रॉपर्टी देखो है, वैसे आप टैग कर दीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी देखो भैया का चैनल है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या कैसे करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।